में गोरखपुर पुलिस द्वारा थैलेसीमिया बच्चों के लिए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर की मौजूदगी में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रक्तवीरों ने रक्तदान कर थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चों के जीवन बचाने का प्रण लिया। साथ ही आम जनमानस को भी स्वैच्छिक रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए रक्तवीर शिवम पटेल व रक्तदाता मोहम्मद आलम ने बताया। ये रक्तदान शिविर लगा हुआ है पुलिस लाइन में और ये हर दो तीन महीने हम लोग लगवाते रहते हैं। हम लोग थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हर महीने में दो तीन यूनिट ब्लड की आवश्यकता पड़ती है और कैंसर और किडनी पेशेंट हैं जिनका डायलिसिस होता है, ऐसे मरीजों को हर महीने दो तीन यूनिट ब्लड की आवश्यकता पड़ती है जो परिवार से करा पाना संभव नहीं है। हम लोग ऐसे मरीजों के लिए ब्लड डोनेशन करवाते हैं कि ब्लड बैंक में पर्याप्त मात्रा में ब्लड रहे कि वो उन्हें निःशुल्क विदाउट डोनर ब्लड दे सकें। अभी तक कितने लोगों का है? अभी तक जो है एक घंटे में 13-14 लोग डोनेट कर चुके हैं और उम्मीद है कि 70-80 जो है लोग आएंगे डोनेट करने के लिए। और मैं सभी से अपील भी करूँगा कि आप लोग रक्तदान अवश्य करें, हर तीन महीने में हम कर सकते हैं। क्या करना चाहेंगे और लोग जो डरते हैं? देखिए, डरने की कोई बात नहीं है, मैं खुद 24 बार मैं कर चुका रक्तदान और आज तक कभी कोई कमजोरी नहीं हुई है। तो आप जहाँ भी कहीं कैंप लगे आपके आसपास में या जहाँ भी ब्लड बैंक आसपास में हो, कैंप नहीं भी लगा है, आपका समय पूरा हो चुका है 3 महीना, तो आप जाके ब्लड डोनेशन कर दें। आपको एक वॉलंटियर कार्ड भी मिल जाएगा, ब्लड डोनर कार्ड मिल जाएगा, कभी आपको आवश्यकता पड़ती है तो उसी ब्लड बैंक से 3 महीने के अंदर आपको ब्लड मिल जाएगा। मैं गोरखपुर रह रहा हूँ, यहाँ पढ़ता हूँ, 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ और संत कबीर नगर जी। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगा है और मैं चौथी बार मैं यहाँ रक्तदान कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं अगर नाम सुनने में आता है कि रक्तदान कहीं करना है तो मुझे बहुत खुशी होती है और चौथा बार मेरा ये रक्तदान है। सर, ये रक्तदान करने के बाद ऐसी खुशी होती है कि आप उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बहुत खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। नहीं तो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो लोग बहाना बनाते हैं और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, शरीर नहीं है, दुबला पतला हूँ, मैं रक्तदान नहीं कर सकता हूँ। अगर आपका एच बी काउंट बहुत अच्छा नॉर्मल है, जो 13-17 होता है रेंज जिसका, अगर 15-16 अगर आपके आसपास अगर उसकी रेंज में है एच बी, तो आप रक्तदान आराम से कर सकते हैं। 3 महीने बाद वैसे भी आर बी सी का 120 उसका लाइफ स्पान होता है आर बी सी का, तो आप 3 महीने के बाद वैसे फिर दोबारा भी कर